कार्तिक आर्यन की पहली एक्शन फिल्म पर लगा कोरोना वायरस का ग्रहण। प्यार के पंचनामा से बॉलीवुड डेब्यू करने वाले एक्टर कार्तिक आर्यन की इमेज लव बॉय की है। एक के बाद एक वो लगातार रोमांटिक फिल्में कर रहे हैं और इस इमेज को तोड़ने के लिए कुछ समय पहले उन्होंने अपनी पहली एक्शन फिल्म की अनाउंसमेंट की थी, जिसके लिए वो ट्रेनिंग करते हुए एक वीडियो भी शेयर कर चुके हैं। हालांकि कार्तिक की ये फिल्म अब अटक गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ओम राउत द्वारा डायरेक्ट की जाने वाली कार्तिक आर्यन की पहली एक्शन फिल्म फिलहाल रोक दी गई है। इसके पीछे कोरोना वायरस मेन रीजन बनकर सामने आया है। मेकर्स फिल्म की शूटिंग फॉरेन में करना चाहते थे, हालांकि इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में फिल्म को होल्ड कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए एक सोर्स ने पीटीआई को बताया है कि वो फिल्म को कुछ समय बाद करेंगे। विदेश में बहुत सारी शूट की वजह से इसे रोका गया है। हम अभी फॉरेन में शूट नहीं कर सकते हैं। टीम हांगकांग में शूटिंग कर रही थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया। हम इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ओम राउत और कार्तिक आर्यन दोनों ही फिल्म को पूरा करने के लिए एक्साइटेड हैं। उन्होंने कहा कि एक 3D एक्शन फिल्म है जिसे भूषण कुमार की टी सीरीज प्रोड्यूस कर रही है। फिल्म की शूटिंग इंडिया और फॉरेन दोनों जगह में की जानी है। गौरतलब है कि ओम राउत की ये दूसरी फिल्म है। इससे पहले वो अजय देवगन, सैफ अली खान और काजोल स्टारर फिल्म तानाजी रणसंग वॉरियर बना चुके हैं। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार सफलता मिली और ये अभी तक साल 2020 की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म है। अब ये दूसरी एक्शन फिल्म होने वाली है, लेकिन अगर बात करें कार्तिक आर्यन की तो उनकी दो फिल्में भूल भुलैया और दोस्ताना 2 भी लाइन में है। देखते हैं आखिर कब कोरोना वायरस से मुक्ति मिलती है और कब ये फिल्मों की शूटिंग फिर से शुरू होती है।